सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सिंपली यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे प्लस के आइकन पे टैप कर लीजिएगा। यहाँ पे 4.5 वाला डेसू रख लेंगे, रेजुलेशन आप 1080 रख लीजिए, फ्रेम रेट 60 या 30 रख सकते, बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे डीएसयू आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन प्लस के आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे ऑडियो वाले सेशन में चले जाना है। और फ्रेंड्स जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को ले लीजिए, या फिर ईमेल एंड वीडियो में जाकर यहाँ से भी कोई वीडियो आप लेकर उसे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मैं इसे ले लेता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स आपको दो टेक्स्ट की फॉन्ट की जरूरत होगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद इसे चलाकर सबसे पहले देख लीजिएगा कि आपका फर्स्ट फॉन्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ से आ रहा है हाँ ओ आँखें, तो हाँ ओ यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं और आँखें नीचे में टाइप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे हाँ ओ, तो सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाते हैं और सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेंगे हाँ, ठीक है, स्पेस देंगे और फिर ओ, ठीक है। तो ये हो गया, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अलाइन कर लीजिए, रोबोटर कलर में जाइएगा। और फ्रेंड्स ये वाला फोन तो आप देख सकते हैं, बीसोन बोल्ड करके एक फॉन्ट है, इसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो इसे ले लीजिएगा। देन इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, तो मैं इसे यहाँ पे 40 रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 40 PT मैंने रख दिया। देन इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। देन राइट क्लिक कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसका फॉन्ट साइज रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद राइट क्लिक कर लीजिएगा, देन इसे आप एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ पे भी रखना चाहते हो वहाँ पे रख लीजिए। तो मैं चलिए सेंटर में ही रहने देता हूँ। देन इसके बाद एक बार और प्ले करके देख लेंगे कि इसका फर्स्ट लाइन जो है वो खत्म कहाँ तक हो रहा है। हाँ वो आँखें यहीं पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक, ठीक है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ जिन्हें मैं यहाँ से दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसमें इफेक्ट देना है, तो सबसे पहला इफेक्ट मूव या ट्रांसफॉर्म में चलते हैं। देन जूम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे एक टू की लगा लेंगे, फिर इसके लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे भी एक टू की लगा लेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हो 133 है, तो इसे 160 कर दीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते, हल्का सा जूमिंग इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो चलिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे देखते हैं इस तरह से हल्का सा ऊपर की तरफ जूम होता हुआ आ जाएगा। अब इसमें और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसमें इफेक्ट देना है। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिएगा, एड इफेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ टेक्स्ट दिख जाएगा, इस पर सिंपली टैप कर देना। टेक्स्ट टैप करने के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर सिंपली टैप कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। देन इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ पे एक ठो की लगा लीजिए स्टार्ट पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ठो की लगा लेना है स्टार्टिंग में। और फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे कीजिएगा, इतना काफी है। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस कर लेंगे, देन इसे आपको 100 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 100 इस साइड में पूरी तरह से प्लस में ही 100 आपको कर देना है, पूरा लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर सिंपली आपको टैप कर देना है। देन यहाँ पे और नीचे आपको जाना है और फिर से यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जिसके इसे स्केल को माइनस में 1 कर देना है। तो इस साइड में पूरा कर लीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। देन इसे थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स इसे आपको प्लस में 1 कर लेना है, तो थोड़ा सा इस साइड में करेंगे और ये हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली 1 ही रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देख सकते हो परफेक्टली 1 मैंने इसे कर दिया। देन नीचे स्क्रॉल कीजिए, तो अल्फा का ऑप्शन दिखेगा, अल्फा पे आपको क्लिक करना और इसे माइनस में आपको सिंपली पूरा 1 कर देना है, ठीक है। इसे 1 माइनस 1 कर दीजिएगा, 0 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं माइनस में 1 मैंने इसे कर दिया। देन नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको नीचे और नीचे जाना है, यहाँ पे रैंडम ऑर्डर का ऑप्शन दिख जाएगा, ये देख सकते हैं रैंडम ऑर्डर, तो इसे आपको इनेबल कर देना है, सिंपली इसे इनेबल कीजिएगा। देन इसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, तो सीट का ऑप्शन दिखेगा, सीट पर आ जाएगा और फिर इसके स्टार्टिंग में आ जाना है। देन यहाँ पे आपको प्लस कर देना है, इसके बाद फिर से इस वाले एरो पर टैप कीजिए, तो सेकंड वाला की जो लगा उस पर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, 0.25 इसे आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हो गया परफेक्टली, यहाँ पे इसका काम जो हमारा है कंप्लीट हो गया। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिए, बैक आ जाए, बैक एंड एड इफेक्ट का जो ऑप्शन दिख सकते, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना। टैप करने के बाद प्रोसीडल वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, यहाँ पे स्ट्रिप्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर सिंपली टैप कीजिएगा। देन यहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। वो शायद बैक हो गया, तो मैं प्रोसीडल में चलता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिप्स और इसे कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग। ओह सॉरी, 2 डबल हो गया। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रिप्स वाला ऐड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स पे आप क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ काउंट का जो ऑप्शन देख सकते हैं, इसे आपको 0.5 परफेक्टली कर देना है। उसके बाद विड्थ इतना ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे एंगल को भी ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल को कुछ नहीं करना है। फेज में हम इफेक्ट देंगे, तो फेज में सेकेंड वाला जो की पे है, तो इसे आपको यहाँ पे एक प्लस कर लेना है,
ओ सॉरी फेज में देना था, फेज पे मैंने क्लिक ही नहीं किया। तो यहाँ पे फेज पे आप क्लिक कर लीजिएगा, देन यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, एक बार प्लस यहाँ पे कर देना है और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है आपको 0.38 के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये वाला जो लाइन देख सकते हैं इसे पूरा इस साइड में लेकर आ जाइएगा। तो यहाँ पे इतना पे देख सकते ये आ गया, तो थोड़ा और आगे कर देते हैं ताकि इंड वाला जो है वो भी थोड़ा यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो ये 40 पे आ रहा है, परफेक्टली यहाँ पे आ रहा है, बट इसे 38 ही कर देते हैं फिर। ठीक, 0.38 मैंने इसे कर दिया। ठीक है, देन इसके लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद इसे 1.44 के अकॉर्डिंग कर देना है। तो ये लाइन पूरा इस साइड से इस साइड दोबारा में यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 44 कर देना है, ठीक है, या 54 कर देते हैं सिंपली इसे। चलिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो देख सकते हैं इस तरह से दोबारा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे कलर का जो ऑप्शन है तो कलर पे आपको सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, पेंसिल के नीचे वाले ऑप्शन पे, और फ्रेंड्स इसे हल्का सा नीचे की तरफ कर लीजिए। और यहाँ पे इसका कलर हम जो बैगनी टाइप में करेंगे, तो इस साइड में थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा और इस साइड में कर लेते हैं इस तरह से, बैगनी कलर टाइप का जो होगा तो इस तरह से हमें कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ करते हैं, इतना पे सही लग रहा है, हल्का सा बैगनी टाइप का यहाँ पड़ा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसे इतना पे रख लेते हैं। ठीक है, इतना पे रखते हैं, शायद वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो इतना पे रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्मूथिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे स्क्रीन पे टाइप कीजिएगा हट जाएगा, यहाँ स्मूथिंग वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते 0.010 है, तो इसे आपको 0.100 कर देना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा इस साइड में लेकर आ देंगे 0.100, परफेक्टली यहाँ पे देख सकते ये रहा, ये हो गया 0.100। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे हो गया। अब इसका काम जो है कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसका इस वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, इसका डुप्लीकेट कर दीजिए यहाँ पे, ये डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट वाले पे क्लिक कीजिएगा, मतलब ऊपर भी लगे या नीचे वाले किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ऊपर या नीचे किसी पे भी। एडिट टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ पे जो लिखा हो उसे हम हटा देंगे, और सेकेंड लाइन जो था वो आँख है, तो यहाँ हाँ वो आँख है। ठीक है, तो यहाँ पे आँखें डाल देंगे, तो सेकेंड वाला लाइन हमारा हो गया हाँ वो आँख है। अब इसे क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पे लिख रहा देना है, इसका टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे 21 पे क्लिक कीजिएगा, मतलब सेकेंड फर्स्ट वाले पे यहाँ पे क्लिक करना है। और ये वाला फॉन्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इसे ले लीजिएगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए इतना पे ध्यान देते हैं, देन यहाँ पे इसे राइट क्लिक कर देंगे, तो सेकेंड वाला लाइन हमारा कंप्लीट होगा। इफेक्ट इसमें सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पे जूम होता हुआ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब सिंपली क्या करना है, इस दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पे डबल लेयर्स वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए और इसे कॉपी टू लेयर कर लीजिए, इससे आपको आसानी होगी नेक्स्ट लाइन के लिए। अब यहाँ पे यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन आपका स्टार्ट होते हैं यहाँ पे आ जाएगा, सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेस्ट टू लेयर का ऑप्शन है, इस पर सिंपली टैप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वाला लाइन आपको प्ले करके देख लेना कि नेक्स्ट वाला लाइन जो है आपका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है और क्या है। तो मैं एक बार प्ले करता हूँ, जिन्हें मैं, तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे जिन्हें। ठीक है, ओ सॉरी ये नीचे वाला मैंने यहाँ पे कर दिया जिन्हें मैं, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो है उसमें हमें टाइप करना है जिन्हें, तो ये हाँ वो जहाँ पे है उस पर क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जिन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरह से आ गया, देन यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप आगे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ गए जिन्हें, यहाँ पे मैं वाले में जो मैंने टाइप किया तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओह सॉरी उल्टा ही यहाँ पे खुल जाता है, यहाँ पे मैं वाले को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट में चलेंगे, इसका फर्स्ट लेटर जो है उसे कैपिटल करना है, तो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑल को, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, तो ये देख सकते हो गया, देन यहाँ पे राइट क्लिक करना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसका लाइट कलर देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से जिन्हें मैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे टाइप कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, फिर इस वाले ऑप्शन पे टाइप कीजिएगा, फिर ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे टाइप कीजिएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कट जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से इस वाले ऑप्शन पर टाइप करना है आपको, पेस्ट टू लेयर कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आपको पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर लेना, जितना भी होगा उतना कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हो मैंने 10 सेकंड का पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपका कोई लाइन फ्रेंड्स मैंने आपको ये शायद बताया नहीं, तो अगर आपका कोई लाइन छोटा होता है जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन यहाँ पे आपका खत्म होता है, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, इस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए तो कट जाएगा, और आपका लाइन बड़ा होगा तो जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएगा, और इस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए तो बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दोनों को बराबर कर लेना, सिंपली ड्यूरेशन पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करना है, बराबर हो जाएगा। तो मेरा जहाँ तक था मैं वहाँ तक रहने देता हूँ, सिंपली मेरा लाइन परफेक्ट था यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपको आता ही होगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया, आप सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। देन इस वाले ऑप्शन पर सेटिंग के बगल में जो ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर सिंपली टैप कर देना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ से आपके फोन में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरा एप्लीकेशन हमें ओपन करना है, तो चलते हैं हम फोन के स्क्रीन पर ओपन करेंगे नोट वीडियो एप्लीकेशन को। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे जो प्लस का आइकन देख रहे हैं इसमें सिंपली आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। डीएसयू को जो ऑप्शन देख सकते हैं 16 नौ, तो इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ कस्टम वाले ऑप्शन पर टैप किया, कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जो पहले से लिखा हो उसे आपको क्लियर कर देना है। यहाँ पे आपको 1440 डाल देना है, ठीक है, या फर्स्ट वाला 1440 इसे कर लीजिएगा। देन ओके कीजिएगा, फिर यहाँ पे 720 जो है तो इसे आपको क्लियर कर देना है, और यहाँ पे 1800 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 1800 परफेक्टली मैंने कर दिया, ओके कर दीजिएगा। देन इसे FPS जो है तो इसे 30 या 60 आप रख सकते हैं, चलिए मैं 60 कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी मेरा 60 ही था, बट 30 भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो भी जैसे वैसे रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पर टाइप कर लेना, मीडिया वाला ऑप्शन जो देख सकते हैं इस पर सिंपली टाइप कीजिए, यहाँ वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका फाइल मैनेजर जो ओपन होकर आ जाएगा, और अभी जो आप वीडियो बनाए वो वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सिंपली उस वीडियो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, तो हल्का सा आगे कर लीजिए ताकि आपका टेक्स्ट यहाँ पे अच्छे से दिखे। तो इतना पे रख लेते हो, दोनों कलर जो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है। अब सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक्सेस स्टोर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सिंपली टैप कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको ग्लो स्क्रीन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एब्लेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो इसे हम 15 कर देते हैं, सिंपली 15 कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन यहाँ पे बाकी जो भी है जैसे वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कलर हम चेंज कर देते, कलर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और ये वाला ऑप्शन को सिंपली इस साइड में कर देते हैं, तो जो भी कलर रखना चाहे उसे रख सकते हैं। तो चलिए मैं तब तक के लिए इसे ये रख देता हूँ। यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो कलर देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से आ जाएगा, फिर यहाँ से बैक आ जाएगा। यहाँ पे जो काम है वो कंप्लीट हो गया। नीचे में आप देख सकते हैं सोल्ट कलर जो है इस पर आपको सिंपली टैप करना है, ओवरले यहाँ पे कर देना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर चाहे तो व्हाइट भी रख सकते हैं, तो व्हाइट रखने के लिए आपको सिंपली इस साइड में कर देना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो आप इसे प्ले करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ परफेक्टली, इसे यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे चेंज हो गया। देन हमारा जो स्टेटस से बनकर तैयार हो चुका है, सिंपली आप इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाले डूटू वाले ऑप्शन पे टैप कर लीजिएगा, यहाँ पे ग्रीन वाला बटन जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपके फोन में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा, आपके फोन में ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे एक मिनट दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।